यस सो आगे हमें थियरी देखनी है इम्पल्स, क्या देखना है इम्पल्स। ओके सो क्लास 9 में हम पढ़े थे फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़े थे। तो हमने अभी भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, जिसमें बेसिकली हमने क्या बोला था कि अगर एफ नेट जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। और एक्सिलरेशन जीरो होगा डज नॉट मीन, और से एफ नेट इज इक्वल टू जीरो और नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट मीन दैट बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मीनिंग ये निकल रहा है कि टोटल नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितना सपोज प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही माइनस एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन वो जीरो हो रहा है तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं, अगर एफ नेट जीरो हो जा रहा है तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं क्या, कि एक मीनिंग तो क्या निकल रहा है एक्सिलरेशन जीरो है, लेकिन एक्सिलरेशन जीरो है उसके दो मीनिंग निकलते हैं क्या, एक्सिलरेशन जीरो मतलब बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी क्या है रेस्ट पे है, मोशन ही नहीं कर रही है। ओके मोशन ही नहीं कर रही होगी तो एक्सिलरेशन कहां से मिलेगा। एंड दूसरा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सिलरेशन क्या है v माइनस u डिवाइडेड बाय t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। लेकिन हमने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है वेलोसिटी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, तो पहले भी 10 था बाद में भी 10 है और टाइम पीरियड कुछ भी हो यहां पर, लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एफ नेट जीरो है उसका मीनिंग क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है उसके दो मीनिंग निकलेंगे, या तो बॉडी रेस्ट पे है या रेस्ट पे नहीं और मोशन में है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ओके ये फर्स्ट लॉ से हमें पता चला। लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या पता चला था, रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और कोई बॉडी अगर मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगाए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, वो बोल रही है क्वेश्चन सुन के तुम ध्यान दो उसके ऊपर क्या वहां क्या देख रहे हो आंसर दो जल्दी चलो सो इम्पल्स। ओके स्टार्ट करें इम्पल्स। तो हमने ये तो फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या था निर्भय, अभी निर्भय बताया सेकंड लॉ क्या था, कल हमने देखा वो मोमेंटम। हाँ यस यस करेक्ट, तो उसमें क्या था, अरे कोई बात नहीं फॉर्मूला बता दो, लेकिन वो मत बताना जो मैंने बोला था कि ये मत बोलना कोई बात नहीं बोलो, पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये क्या है मोमेंटम है, तो मोमेंटम थोड़ी सेकेंड लॉ था, मोमेंटम आता है सेकेंड लॉ में, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है और कुछ, कोई और, उससे ही हमने स्टेटमेंट बनाया था याद हो हिमांशु सृष्टि ईशा ईशा। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, ओके एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी, याद आया, याद आया क्या था वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके और यहां से हमें मिला था क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए, कैसे मिला था, एफ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, अगर पी इज इक्वल टू एम वी है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी मतलब चेंज इन द मोमेंटम क्या हो जाएगा, भाई मास तो कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी तो वो तो एम, वेलोसिटी चेंज होगी तो डेल्टा वी, तो डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा वी बाई एम, कहां गया के डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के की वैल्यू मैं फॉर सिंप्लिसिटी क्या ले रहा हूं, वन, सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू आ गया एम ए। लेकिन तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि सेकंड लॉ इज इक्वल एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बोलना है ये उसका आउटकम है एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके जनरली स्टूडेंट यही बोल देते हैं सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम, अरे एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये बोलना है। ओके और उसका आउटकम निकलता है क्या, F is equals to, say net force is equals to mass into acceleration.
तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, फिर अभी जो देखा वो सेकंड लॉ है, और अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड लॉ। लेकिन थर्ड लॉ से पहले हमें क्या देखना है, इंपल्स देखना है। तो चलो इंपल्स देखते हैं। अब ये इंपल्स हमने नाइन्थ में नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। ओके, क्या बोल रहे हैं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, ओके, जो हम फोर्स लगाएंगे, देखो तीनों लॉ में फोर्स की ही बात हो रही है। फर्स्ट में बोला कि भाई नेट फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, दूसरे में बोला कि ये जो नेट फोर्स जो है, ओके, उसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, तो चेंज इन मोमेंटम से मिलेगी, और थर्ड में क्या बोलेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन थर्ड देखने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी क्या, इंपल्स की। तो इंपल्स क्या है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। क्या, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा है। नहीं बोलते अरे यार इंपल्स तो देखो, ऐसे कभी कभी डे टू डे लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, क्या इंपल्स है, जैसे कि क्रिकेट में बोलते हैं अरे क्या स्ट्रोक मारा है, जैसे वो कोहली मारता है टॉक ऐसे आवाज आती है, अरे क्या शॉट है ऐसे, ओके, वो हर बार आवाज नहीं आती ऐसी, कोई एकदम परफेक्ट शॉट होता है तभी ऐसी आवाज आती है, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है, इंपल्स, इंपल्स मतलब क्या, फोर्स बहुत बड़ा है, लार्जर द फोर्स, बट ड्यूरेशन बहुत छोटा है। ड्यूरेशन क्या है, बहुत छोटा, जैसे कि मेरे हाथ में बॉल है, कोई भी बॉल है, और मैंने जोर से ऐसे मारा दीवार पर, तो जोर से दीवार पर मारा, मेरा अपना मसल एनर्जी पूरा फोर्स यहां मार, यहां नहीं मारूंगा वही मार रहा, ओके ठीक है, तो यहां वीडियो में नहीं आएगा इसलिए मैं यहां मार रहा था, तो ऐसे मारा तो यहां गया, लेकिन बॉल जैसे ही यहां पे पिच हुआ और तुरंत पीछे आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, मतलब वो दोनों सरफेस वॉल और बॉल कितने वॉल और बॉल कितने कम टाइम के लिए इकट्ठा हुए, मतलब ऐसा है ऐसे करके चला गया बॉल, ओके, वॉल पे से ऐसे आके चला गया, कितना भी जोर से डाला हो लेकिन वो आके चला जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा आया और फिर रुक गया, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी वॉल तो रिजिड है, अगर रिजिड ना होता, थोड़ा इलास्टिक होता, ओके, तो वापस थोड़ा ऐसा होता कि इतना ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा नीचे जाता, ओके, लाइक दैट। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, आया बहुत जोर से लेकिन ऐसा नहीं कि आके चिपक गया, थोड़े ही टाइम के लिए आया और फिर वापस चिपक गया, तो वापस चला गया, मतलब कि जो टाइम पीरियड है इट इज वेरी 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 लेस। तो एक तो फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब लार्जर द फोर्स, और दूसरे है टाइम पीरियड डेल्टा टी, वो जो डेल्टा टी है मतलब टाइम पीरियड है बहुत छोटा है, एक सेकंड के लिए भी ये फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ओके, जैसे कि किसी को थप्पड़ मार दिया करेक्ट सही है, हाँ और क्या कि किसी को क्या थप्पड़ मार दिया, तो अभी मैं दूंगा ये एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में अच्छा ठीक है, तो किसी को थप्पड़ मार दिया, ओके, तो ऐसे कभी भी हम ऐसे मारने के बाद ऐसे तो रहेगा नहीं हाथ, ओके, ऐसे मार दिया, दूसरा मारना होता है तो दूसरा भी मार दिया, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन भले ही कितना ही कम टाइम पीरियड के लिए हो, फोर्स तो बहुत ज्यादा था, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो ये डेल्टा टी टाइम पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल, टाइम पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो ये ज्यादा फोर्स और ये कम टाइम पीरियड एक साथ मेजर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जस्ट लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी चैप्टर 2, ओके, केमिस्ट्री वाला, क्या क्या दोनों लोकेशन एंड मोमेंटम, मतलब वही वेलोसिटी, वहां भी मोमेंटम था, तो क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका लोकेशन एंड उसकी वेलोसिटी एक साइड डिसाइड नहीं कर सकते, अगर तुम लोकेशन डिसाइड करने गए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी उसकी डिसाइड करने गए तो लोकेशन पता ही नहीं कर पाएंगे, डन, ओके। तो वो हमने वहां देखा था, लेकिन वैसा ही केस है यहां पर, एक साथ थोड़ा मेजर करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मतलब वो थोड़ा इजी हो जाता है, सो वो इंपल्स हो जाता है फोर्स इनटू डेल्टा टी, ये हम मेजर कर सकते हैं कि टोटल कितना हुआ, लेकिन अलग अलग मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यही प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी, इंपल्स, फोर्स इनटू डेल्टा टी, और यही इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन दी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। वैसे तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि एफ इंटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम होगा, क्यों एफ इंटू डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम होगा, देखो अभी हमने देखा था कहां गया, ये रहा, कहां गया, ये रहा, ओके। अब
यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 डाल दो, सो f इन टू k इज इक्वल टू 1, ये डेल्टा t ऊपर आ गया, k इज इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा p, तो आ गया, देखो f इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p, आ गया ना, सो दैट इज चेंज इन द मोमेंटम. तो इंपल्स इज वॉट, फोर्स इंटू दैट लार्जर द फोर्स इंटू दैट स्मॉल टाइम पीरियड और से चेंज इन द मोमेंटम, दैट इज द इंपल्स. ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, फिर बुक में जो है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, अभी बुक में से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आए, दैट्स व्हाई पहले से बता दिया. डन, ओके. तो इंपल्स क्या है, एक यही एग्जांपल याद रखो कि तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि वो स्मिथी वर्क करता है, मतलब स्मिथी मतलब से लोहार वर्क करता है, ओके. कोई आयरन है उसके ऊपर मारे ऐसे कितना जोर से फोर्स लगाएगा और ऐसे लगा के फिर वापस हथौड़ा ऊपर ले लेगा, ऐसा नहीं कैसे मार के फिर रखा हुआ है, मार के तुरंत वापस ले लेगा, सो दैट इज द इंपल्स, ओके. चलो तो बुक का भी देख लेते हैं. वी समटाइम्स एनकाउंटर एग्जांपल्स वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. क्या होगा, फाइनाइट क्यों मोमेंटम ही चेंज हुआ, अरे एफ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. अब अगर तुम एफ चेंज करोगे तो क्या क्या चेंज होगा, डेल्टा पी डेल्टा टी यही चेंज हो सकता है, डेल्टा पी क्या है एम डेल्टा वी, मास तो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो चेंज क्या होगा वेलोसिटी, चेंज क्या होगा वेलोसिटी. डन, दो ही तो प्रॉपर्टी है, एक वेलोसिटी है उस साइड और एक दूसरा है मास, मास को चेंज होने से रहा, मास कैसे चेंज हो जाएगा, तो फिर वेलोसिटी ही चेंज होगी. सो वही चीज बोल रहे हैं क्या कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा पी एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो हम फोर्स लगाएंगे उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये डेल्टा पी भी चेंज हो जाएगा. डेल्टा पी मतलब क्या है, एम डेल्टा वी, तो m तो उतना ही रहेगा लेकिन डेल्टा v चेंज हो जाएगा, लेकिन v चेंज हुआ मतलब ओवरऑल डेल्टा भी तो चेंज हो गया ना, तो वही बोल रहे हैं. देखो एग्जांपल, फॉर द एग्जांपल व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल एंड बाउंस बैक, ओके वही एग्जांपल, द फोर्स ऑन द बॉल, द फोर्स ऑन द बॉल, ये बॉल पे कौन फोर्स लगा रहा है, हम लगा रहे हैं, और दूसरा बॉल पे कौन फोर्स लगा रहा है, वॉल लगा रहा है, पहले हमने बॉल पे फोर्स लगाया तभी तो बॉल जाएगा, ऐसे चल जाए ऐसे थोड़ी चल जाएगा वो, तो हम मारेंगे, हमारी मसल एनर्जी यूज करके हमने बॉल को फेंका, हमने फोर्स लगाया बॉल पर, अब बॉल जहां भी टकराएगा, जैसे कि किसी की बैट पे टकराएगा तो बैट ने उसके ऊपर इंपल्स लगाया, बैट पे टकराया तो किसने इंपल्स लगाया, बैट ने, वॉल पे टकराया तो वॉल इंपल्स देगा उसको, जहां टकराएगा वो इंपल्स क्रिएट करेगा, ओके. मुझे लग रही है तुम सबको लग रही है, बता देना फिर कम कर देंगे. हाँ चलो, सो द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द टू आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब भाई दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए है, ओके okay? तो वही चीज बता रहे हैं. येट द फोर्स इज लार्ज इनफ टू रिवर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉल, लेकिन फिर भी ये जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जो हमने अप्लाई किया है वो फोर्स भी बड़ा है, तो जो रिटर्न आएगा वो भी तो बड़ा ही आएगा, ओके okay. तो हमने बहुत ज्यादा लार्जर फोर्स अप्लाई किया और सामने से भी लार्जर फोर्स आ रहा है, लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ रहा है, ओके सो लेकिन कितने भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो उसकी मोशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ओके okay. मतलब ऐसे जा रहा था तो वो रिवर्स में ऐसे जाने लगेगा. क्रिकेट का एग्जाम्पल हो, ऐसे बॉल आ रहा है तो इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है और मैंने ऐसे स्ट्रेट ड्राइव मारा तो जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला जाए, रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बैट ने इंपल्स प्रोवाइड किया बॉल के ऊपर, यहां पर बॉल के ऊपर इंपल्स प्रोवाइड किया किसने, वॉल ने. डन, ओके चलो. ऑफन इन दिस सिचुएशन द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू एसरटेन सेपरेटली, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि दोनों को सेपरेटली मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. सो हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स अ मेजरेबल क्वांटिटी, लेकिन चेंज इन द मोमेंटम तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वही चीज मैंने तुम्हें बताई. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, और यही प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं. सो इम्पल्स इज द फोर्स इनटू, मतलब कुछ नहीं है मतलब इनटू, तो फोर लिखा है तुम्हारी बुक में क्रॉस, हाँ तो कुछ नहीं है मतलब इनटू, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन और से चेंज इन द मोमेंट, दैट्स इट, ओके. तो सिंपल टॉपिक है हमारा इम्पल्स.
हाँ, तो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। तो अगर बोले डेफिनेशन एक मार्क में, व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स, तो भाई सिंपल याद रखो, क्या ज्यादा फोर्स कम टाइम पीरियड के लिए लग रहा है उसी को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। फिर हम उसको सेंटेंस में पुट कर देंगे अच्छे से। लेकिन क्या इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स था, जैसे पुश फोर्स था, जैसे पुल फोर्स था, ऐसे ये वन टाइप ऑफ फोर्स है। तो वन टाइप ऑफ फोर्स है मतलब क्या, अभी देखेंगे हम, पढ़ेंगे शायद, दिया हुआ होगा कि पहले के टाइम पे ये इंपल्सिव फोर्स को अलग कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन हमारे न्यूटन भाई साहब के मैकेनिक्स में ऐसा कुछ अलग से नहीं, जैसे नॉर्मल है उसको नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। कहने का मीनिंग क्या है, इंपल्सिव फोर्स मतलब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए अप्लाई होता है। ओके, तो उसी को हम सेंटेंस में पुट कर देंगे, क्या अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, उससे होगा क्या, उससे मोमेंटम चेंज हो जाएगा। सो अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम इज कॉल्ड एन इंपल्सिव फोर्स। डन, ओके, चलो। इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इंपल्सिव फोर्सेज वेर पुट इन अ कंसेप्चुअली डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम द ऑर्डिनरी फोर्सेज। पहले के टाइम के साइंस की बात है, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज नो सच डिस्टिंक्शन, सबके लिए सेम है, नो पार्शियलिटी। ओके, कुछ मतलब ऐसे कोई ऐसे स्पेशल फोर्स नहीं है, जैसे दूसरे है वैसे है। तुमने टाइम कम लगाया हुआ है तो ठीक है, तुम्हें अलग नाम दे दिया इंपल्सिव फोर्स, बाकी है तो वही। ओके, इंपल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इट इज लार्ज एंड एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो यही एक एक्सेप्शन है कि वो लार्ज है, तो लार्ज फोर्स तो पहले भी था, कहीं कहीं पे हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन लार्ज फोर्स लार्जर टाइम पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कल हम ट्रक को धक्का मार रहे थे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा टाइम के लिए, तब जाके वो वेलोसिटी गेन करेगी। लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कम टाइम पीरियड के लिए, जस्ट लाइक बुलेट वाला केस, स्प्रिंग फोर्स से ऐसे शूट किया तो बहुत ज्यादा स्प्रिंग फोर्स उस पर लग गया, किस पे, बुलेट पे, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में ज्यादा फोर्स, तो ये इंपल्स है। तो मतलब कि गन ने बुलेट के ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाया, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए। आया समझ पक्का? ओके, तो सिंपल था हमारा इंपल्स, कोई डाउट समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं।